बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो हमारा 10th क्लास साइंस ग्रुप का चैप्टर नंबर 4 है और 4.3 का मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया है। हमें इसमें फार्मूला लगना है। आपने एक फार्मूला पढ़ा था a³ + b³³ हो, तो हम इसको एक दफ़ा वैसे ही लिखते हैं, फिर एक दफ़ा स्केयर में, फिर दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस, और फिर सेकंड का स्केयर। तो ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है, तो ये फॉर्मूला हमने इधर लगाना है। पहले तो हमें ये चेक करना है कि ऊपर पावर कम है कि ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो उसे डिवाइड करना है, अगर कम है तो हमें उसे कुछ भी नहीं करना। अब मुझे ये बताओ इधर पावर ज़्यादा है कि कम है? ऊपर पावर कम है, नीचे ज़्यादा है, तो फिर हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर ऊपर ज्यादा होती तो हम इसे डिवाइड करते। चलो हम फिर इस पर फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए हमने क्या किया कि इस पर भी हमने 3 बना लिया, तो इस पर भी हमने 3 बना लिया, तो हम कर सकते थे कि हम इसकी जगह कि x+1 को वैसे ही लगा दें और x²-x+1 लगा दें। अब हमने कहना है कि x²+1 x²-x+1 इक्वल है a अवर ये वाली रकम। अब हमारा स्केयर पहले बाहर होता था, जब स्केयर बाहर होता था, फॉर एग्जांपल जब स्केयर बाहर होता था तो हम इसे ऐसे लिखते थे, इसे 2 टाइम हम लिखते थे। लेकिन आज ऐसे हो गया कि स्केयर अंदर आ गया। जब स्केयर अंदर आ जाए तो बेटा तब क्या करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। स्केयर पहले आ रहा है, आप बी के साथ एक्स लगा दो, आप बी के साथ एक्स लगा दो और इसमें सी को ऐड कर दो, बी के साथ एक्स लगा दो और सी को इसमें ऐड कर दो, यानी के और साथ ये सारी की सारी रकम इसी के नीचे उतार दो, एंड ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है। ये इक्वेशन 1 बन चुकी है। अब हमने करना क्या है, हमने इसे मल्टीप्लाई बाय करना है लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर्स की जो वैल्यूज है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि x+1 है एंड x²-x+1 आपने लिख देना है कि मल्टीप्लाई बाय। मैं इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा, आपने इस रकम को इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया ये और ये कटिंग हो जाएगा, तो जो बाकी बच जाएगा वो ये है। आपने जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये और ये कटिंग हो जाएगा, जो बाकी बचेगा तो वो ये होगा। और आपने जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये और ये कटिंग हो जाएगा, तो हमारे पास जो ब्रैकेट में बचेगा bx+c एक अलग ब्रैकेट होगी, और ये तो कटिंग हो गया तो ये रह गया x+1। अब आपने क्या करना है, थोड़ी सी इसके सब्ट्रैक्ट कर लेना है, हल कर लेना है कि क्या बनता है एंड तक। आपने इसको अलहदा करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और सी को एक अलहदा करके आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद ये पहली वाली रकम तो आपने वैसे ही नोट करनी है, इसे इन दोनों रकमों को आपने कुछ भी नहीं करना। अब बी को अंदर बी के साथ जो एक्स है एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x²+x, ये सी के साथ ये वैल्यूज वैसे ही आ गई। इतना करने के बाद अब ये आगे सोल्व नहीं होगी, आप इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इतना करने के बाद 2 का नाम देने के बाद एक नीचे जो रकम है आपने उसे लेट कर देनी है कि x+1 = 0 के, अगर इसी तरह है तो x = -1 की। अब आपने लिखना है पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन 2। अब जहां जहां इक्वेशन 2 है उसमें जहां जहां एक्स है आप वहां वहां -1 पुट कर दो। यहां एक्स है, इसकी जगह हमने -1 पुट कर दिया, ये ए को वैसे उतार दो, -1 को पुट कर दिया, -1 + 1 एंड +b -1 एंड -1 एंड +c -1 + 1। ये तो -1 का स्केयर 1 बनेगा, ये भी 1 बन गया, ये a, ये 1 बन गया, ये +1 बन गया, ये भी +1 बन गया, ये +b, ये 1 बन गया, ये -1 बन गया, +c 0 बन गया, क्योंकि 1 1 से कटिंग हो गया।
इतना करने के बाद स्टूडेंट्स आपने 1-1 को ऐड किया, वो 2 बन गया। 2 बनने के बाद आपने a की तीनों वैल्यू को ऐड किया, वो 3a बन गया। b भी 0 बन गया, c भी 0 बन गया, आप इसकी जगह 0-0 लगा दो। तो हम कह सकते हैं कि 3a इक्वल है 2 के और a इक्वल है 2/3 के। स्टूडेंट ये a की वैल्यू आ गई है। तो स्टूडेंट्स हम आगे ये काम नहीं कर सकते कि हम इसको जीरो के इक्वल करके या इसकी फैक्टराइजेशन करके इससे दो वैल्यू निकालकर हम उनको जीरो के इक्वल करके तो हम दो वैल्यूज निकालकर हम बी और सी की कीमत निकाल दें। ये ऐसे नहीं होना स्टूडेंट्स। हमने इधर कोफिशिएंट देने, आपने लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होंगे लिखने हैं, इक्वेशन 2 में से लेने हैं। इधर x स्क्वायर के साथ क्या है 1, ये है कोफिशिएंट इसका, तो 1 ले लें। a में है x स्क्वायर, तो हाँ a हो गया एक कोफिशिएंट। उसके बाद b में है x स्क्वायर, हाँ तो एक b हो गया। तो x में नहीं है x स्क्वायर, c में नहीं है x स्क्वायर, तो उसके कोफिशिएंट नहीं होंगे। उसके बाद आपने करना क्या है, पुट कर देना है कि a इक्वल है किसके, 2/3 के। अब आपने a की जगह लिखना है 2/3 प्लस b इक्वल है 1 के। मैंने एक तरतीब से लिखी, अब ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगी 1-2/3। अब माइनस होने के बाद ये आएगी 3-2/3 और माइनस होकर ये इसका आंसर 1/3 आ जाएगा। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स हमने पहले कोफिशिएंट x स्क्वायर के लिए, अब हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। अब आपने कोफिशिएंट लेने हैं x के, इधर तो x है नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, जब नहीं है तो आप उसकी जगह 0 लगा दो। अब राइट हैंड साइड में a में है, लेकिन वो उसके साथ माइनस भी है, आपने माइनस a लिखना है, क्योंकि माइनस 1 है तो a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a बनेगा। b के साथ आपने लिखना है b ही और c के साथ आपने लिखना है c। स्टूडेंट्स मैं ये साइड नीचे से मिटाना चाहता हूं, और मैं क्योंकि इसकी कीमत फाइंड करनी है तो थोड़ी सी जगह चाहिए, और रेंट में हमने इसमें कीमतें पुटिंग भी करनी है, तो मैं ये जगह मिटाने लगा हूं। अब आपने क्या करना है, जीरो को उधर ले जाओ, पहले ए की कीमत क्या है पुट कर दो, ए इक्वल है 2/3 एंड बी इक्वल है 1/3। आपने a और b की कीमत उसमें पुट कर देनी है। a की कीमत है 2/3 एंड प्लस b की कीमत है 1/3 एंड प्लस c इक्वल है 0 के। मैंने इसको एक तरतीब के साथ लिख दिया, a की कीमत भी पुट कर दी, b की कीमत भी पुट कर दी, c को हमने फाइंड करना है। आप ऐसा कर दो, इन दोनों को उधर ले जाओ। जब आप इन दोनों को उधर ले जाओगे, ये उधर माइनस में, ये उधर प्लस में, यानी ये प्लस में आ गई और ये माइनस में आ गई c अपनी जगह पर। आपने इन दोनों का एलसीएम कर लेना है, एलसीएम करेंगे तो सेम एलसीएम, तो इसका भी 1/3 आंसर आ गया। अब आपने लिखना है पुटिंग दिस वैल्यू, ए बी एंड सी इक्वेशन 1। अब आपने इक्वेशन 1 में कीमतें पुट कर देंगे, ए की कीमत है हमारे पास 2/3, यानी 2 ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा, यानी 2/3 एक्स प्लस 1 एंड प्लस, हाँ प्लस है दोनों के साथ, तो आपने क्या करना है, b के साथ भी 1 है देखो ऊपर और c के साथ भी 1 है, तो x के साथ जब हम 1 लगाते हैं तो वो 1 नहीं आता, 1 लगाने की जरूरत नहीं, और c के जगह पर हमने 1 लगा दिया, और दोनों में नीचे 3 कॉमन आ रहा है, तो दोनों में 3 कॉमन लेकर आपने बाहर लिख देना है, और वो जो कॉमन लिख कर बाहर लिखना, अंदर इसकी कीमत लिख देनी माइनस एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है। तो हमें पता चल गया, अगर अंदर स्केयर हो तो उसे कैसे करना है और बाहर स्केयर हो तो कैसे करना है, तो हमारे ये क्वेश्चन डन हो गया। इंशाल्लाह हम इसके बाद 4.4 करेंगे, लेकिन 4.4 तक के लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है।